नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो राइट नाउ। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी में क्या फर्क होता है। जब आप दुकान पर जाते हैं और आपको अगर एक एसी खरीदना होता है तो आप सबसे पहले दुकानदार से पूछते हैं कि आपके यहाँ कौन कौन सा एसी है। तो दुकानदार आपसे पूछता है आपको नॉर्मल एसी चाहिए या इन्वर्टर एसी चाहिए, तो आप बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं कि नॉर्मल एसी क्या है, इन्वर्टर एसी क्या है, आपको पता ही नहीं होता है। और जैसे ही आप इन्वर्टर वर्ड सुनते हो तो आपके मन में एक सवाल ऐसा उठता है, क्या इन्वर्टर से चलेगा? जैसा मेरा सीलिंग फैन इन्वर्टर से चलता रहता है, लाइट जाने के बाद ये ऑन रहता है, क्या आपका एसी भी इस तरीके इन्वर्टर पे वर्क करता है? बिल्कुल भी नहीं, ये इन्वर्टर से नहीं चलता है। लेकिन फिर इन्वर्टर वर्ड क्या है, इन्वर्टर से कैसे वर्क करता है, आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं। क्या कंपैरिजन करूंगा कि एक इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी में क्या फर्क होता है। और अब तो इसका एक एडवांस टेक्नोलॉजी भी आ गया है जो है डुअल इन्वर्टर। आज मैं डुअल इन्वर्टर क्या होता है उसके बारे में भी इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। और इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप 8 घंटे एक दिन में एसी चलाते हैं तो 8 घंटे में कितना यूनिट आपका बनेगा और उस यूनिट को कैसे काउंट करेंगे और एक एसी का आपका कितना बिल आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी में क्या फर्क होता है। तो चलिए, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि मैंने 3 स्प्लिट एसी ले रखी हैं, 3 इंडोर होंगे, एक लॉयड का, एक आपका नीचे से देखते हैं, एक आपका नॉर्मल इन्वर्टर वाला विदाउट इन्वर्टर इंडोर रखा हुआ है लॉयड का, उसके बाद आपका ये इन्वर्टर वाला लगा हुआ है, और उसके ऊपर जो आप देख रहे हैं वो डुअल इन्वर्टर एलजी का स्प्लिट लगा हुआ है जो 2020 सीरीज का है। ये मैंने 3 ले रखे हैं, तो मैं इसी के बारे में वन बाय वन आपको बताने वाला हूं। कि सबसे पहले मैं बात करता हूं विदाउट इन्वर्टर इंडोर के बारे में। देखिए, मैं आपको बड़े आसान भाषा में बताने वाला हूं ये कैसे वर्क करता है। मान लीजिए आपके रूम के बाहर का टेम्परेचर 32 डिग्री है, तो रूम के अंदर का टेम्परेचर 30 डिग्री होगा, जाहिर सी बात है थोड़ा कम होगा। और आप रूम के अंदर आए, आपको गर्मी का एहसास हुआ, आपने अपनी एसी को 22 डिग्री पे सेट कर दिया, 22 डिग्री पे सेट कर दिया, तो जो आपका कंप्रेसर है वो आपको 30 डिग्री से वो 22 डिग्री तक लाता है। जब 22 डिग्री तक लाता है तो आपका कंप्रेसर वहीं बंद हो जाता है, एसी ऑन रहता है, कंप्रेसर बंद हो जाता है। फिर जब कंप्रेसर बंद हो जाएगा, फिर आपका रूम का टेम्परेचर फिर बढ़ जाएगा, फिर रूम का टेम्परेचर 22 से फिर बढ़ के 30 पहुंच जाएगा, फिर वो ऑन होता है, 30 से फिर 22 लाता है, फिर 22 से फिर 30 बढ़ जाता है, यानी कि कंप्रेसर बंद होता है, फिर ऑन होता है, स्टॉप स्टार्ट ये चलता रहता है। और उसके बाद इसमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की खपत होती है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता है। वहीं अगर हम कंप्रेसर इन्वर्टर अगर एसी की बात करें तो उसमें अगर आपका यही सेम कंडीशन पे अगर आप रूम के टेम्परेचर आपका 30 डिग्री है, उसको आपने अगर 22 पे सेट कर दिया है, तो जो इन्वर्टर का कंप्रेशन, इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर होता है उसको 22 तक नहीं लाता, वो 23 तक लाता है, यानी कि 1 डिग्री पीछे वो 23 पे कंटिन्यू सेट कर देता है। वो कंप्रेसर आपका ऑफ नहीं होता है, वो कंटिन्यू चलता रहता है, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी इफिशियंट, जिससे आपको पावर, वो पावर इफिशियंट होता है जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को बचाता है। यही एक सबसे बड़ा इसमें अंतर होता है। चलिए इसको मैं ग्राफ से आपको समझाता हूं, मैंने एक बुक ले रखी है, उसको किस तरीके से ग्राफ से समझाएंगे थोड़ा आप इस पे ध्यान दीजिए, मैं बहुत ही आसान भाषा में ग्राफ से समझाऊंगा। ये आपका नॉर्मल एसी है, ये नीचे आपका इन्वर्टर एसी दे रखा है, जो इस तरीके से मैं बना लेता हूं। और जो आपको नॉर्मल एसी वर्क क्या करता है कि वो इस तरीके से आपका ये 30 से आपका 22 तक गया, फिर आपका इस यहां पे जाने के बाद ये ऑफ हो जाएगा आपका, उसके बाद फिर वो जब टेम्परेचर फिर 30 पे आ जाएगा फिर ये ऑन होगा, फिर आपका स्टार्ट होगा, फिर आपका स्टॉप होगा, इस तरीके से वर्क करता है। ये देखिए, इस तरीके से वो चलता रहता है, यानी कि पहले वहां तक जाएगा, जब ये बार बार चलेगा बंद होगा, जाहिर सी बात है कोई कंप्रेसर दोबारा स्टार्ट होगा तो जाहिर सी बात है दोबारा ठंडा करने में रूम को उसे ज्यादा समय लगेगा और वो इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा लेगा। वहीं अगर इन्वर्टर कंप्रेसर की बात करें, पेन थोड़ा बंद हो रखा है, मैं चेंज कर लेता हूं इसको। अब इन्वर्टर एसी का ग्राफ देख लेते हैं। अगर 30 टेम्परेचर है आपके रूम का और आपको आपने 22 पे उसको सेट कर रखा है, तो वो आपका इस तरीके से वर्क करता है। ये आपका 22 पे इस तरीके से आपका 23 तक आता है,
और 20 यहीं पे आपका सेट हो जाएगा इस तरीके से। इस ये आपके कंप्रेसर को ऑन रखता है, ये कंप्रेसर आपको ऑफ नहीं होता है, कंप्रेसर इसी पे आपको ऑन रहेगा और इसी पे आपका रूम को इतना ठंडा करेगा। अगर आप उसको 60 तक ले जाते हैं तो ये 60 तक जाएगा, आपका दोबारा फिर बंद नहीं होगा। अगर बंद करके ऑन होगा, ये आपके विदाउट इन्वर्टर एसी होते हैं, जो इन्वर्टर वाले एसी होते हैं वो वहीं पर आपका इस तरीके से 23 पे ही सेट हो जाता है। तो इसीलिए ये पावर एफिशिएंट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की सबसे ज्यादा बचत करते हैं इन्वर्टर एसी। अब एक और मैं आपको बहुत ही आसान सा एग्जांपल देता हूं, जैसे आपका एसी का कंप्रेसर होता है वैसे ये आपका कार का इंजन होता है, वो दोनों सेम वर्क करते हैं। जब आप कहीं ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो आपको बार बार अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ता है, फिर थोड़ा चलते हैं, फिर ट्रैफिक ज्यादा, फिर आपको बंद करना पड़ता है, फिर स्टार्ट करना पड़ता है, फिर बंद करना पड़ता है। तो इसमें इंजन को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, तो इसमें आपका जो ईंधन की ज्यादा खपत भी होती है, आपका पेट्रोल या डीजल ज्यादा खर्च होता है। वहीं अगर आप एक हाईवे पे फिक्स स्पीड पे जाएं, एक स्टेडी स्पीड पे चलते जाएं, तो उससे आपकी ईंधन की बचत भी होती है और आपके इंजन की लाइफ भी ज्यादा होती है। तो सेम एसी का है, जैसे अपना कार का है वही सेम एसी का है, जो चलता रहेगा एक कंटिन्यू पे, तो वो ज्यादा हमारे बचत भी करेगा और उससे हमारी इसकी लाइफ भी ज्यादा होगी। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, आप आसानी से उसको समझ चुके होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप, अगर आपकी एसी 8 घंटे वर्क करती है, नॉर्मली हम कितने घंटे एसी चलाते हैं? आपके घर में अगर एसी लगा होगा तो वो नॉर्मली में एक फिक्स टाइम, जो मैंने एक सर्वे किया हुआ है इस पे देखा हुआ है कि अगर एक एसी को हम दिन में 8 घंटे चलाएंगे तो वो कितने यूनिट निकालेगी। क्योंकि नॉर्मली 8 घंटे ही एक घर में एसी चलता है, दिन में हम लोग बाहर रहते हैं, जब रात में हम घर पे आते हैं तभी एसी का वर्क ज्यादा होता है। तो एक मैंने वो ग्राफ बनाया हुआ है, मैं उस ग्राफ के द्वारा आपको आसानी से समझाऊंगा कि दिन में अगर 8 घंटे में एसी चलाएंगे तो एक दिन का मेरा कितने रुपए का उसमें बिल आएगा, यानी कि एक दिन में कितने रुपए का यूनिट, कितने यूनिट जलेंगे और कितना बिल एक महीने में आएगा। तो चलिए उसको एक बहुत आसान तरीके से ग्राफ से समझते हैं। अगर आप दिन में 8 घंटे एसी चलाते हैं प्रतिदिन, तब आपका एसी कितना यूनिट निकालेगा आप, और आपका एक मंथ में एसी का कितना बिल आएगा। ये केवल मैं एसी का बिल कैलकुलेट कर रहा हूं, उसमें फिक्स चार्ज ऐड नहीं है। तो किस तरीके से इसको निकालते हैं मैं भी बताऊंगा, पहले देख लेते हैं मैंने इसको जो सर्वे किया हुआ है उससे कैसे निकलेगा। सबसे पहले मैंने एक 5-स्टार एसी लिया है, जो डुअल इन्वर्टर एसी है, ये वाला मैंने इसको लिया हुआ है। तो इसको मैंने 8 घंटे पे 8 घंटे चलाया, रात में आपको 8 घंटे चला दिया, तो उसमें मुझे 2.95 यूनिट शो किए। मेरे यहाँ एक यूनिट काउंट होता है 7 रुपीज का, आपके यहाँ कितने का होता है आप देख सकते हैं। तो 2.95 एक 8 घंटे का यूनिट जो निकला है उसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 20.65 रुपीज पर डे का बिल आया, यानी कि 20.65 रुपए ये एक दिन का पर डे एक दिन का है। अब हमें 30 दिन का निकालना है, तो 20.65 × 30 = 620, यानी 620 रुपए महीने का बिल आया, जो मेरा केवल एसी का बिल है। अगर मैंने एक दिन में 8 घंटे एसी चलाया तो एक महीने में 620 रुपए का बिल आया एसी का। उसके बाद सेकंड मैंने इन्वर्टर एसी का बिल देखा, तो उसको मैंने यूनिट 8 घंटे सेम प्रोसेस पे चलाया 8 घंटे, तो वो 3.8 यूनिट निकाल रहा था एक दिन में, तो 7 से अगर काउंट करेंगे तो 26.60, यानी कि 26.60 रुपए एक दिन में उसका बिल आया। और मुझे एक महीने का चाहिए था 26.60 × 30 = 799, यानी कि 798 अप्रॉक्स 800 रुपए एक महीने का बिल आया एक इन्वर्टर एसी का। वहीं अगर नॉर्मल एसी की हम बात करें तो उसका यूनिट एक दिन का निकला था 5.2, और उसको भी 7 रुपए में मैंने काउंट किया, तो × 7 = 36.40, यानी 36.40 रुपए का बिल एक दिन में मेरा आया। और मुझे एक्चुअली 30 दिन का चाहिए था, तो 1092 रुपए एक महीने का एक नॉर्मल एसी का बिल आया, जो मैंने एक सर्वे के द्वारा आपको बताया। इसको आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, काउंट घर पे कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको अलग से कोई इसमें मीटर ऐड नहीं करना है। जैसे आप सोच रहे हो जैसे घर का एक पूरा मीटर होता है जिसमें सारे यूनिट शो करते हैं, उसके लिए आपको कोई सब मीटर नहीं लगाना है। मैं आपको एक डिवाइस बता रहा हूं जो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, वो डिवाइस ये है। इसका मैंने एक और वीडियो बनाया है, वो आई बटन में दे रखा है, उसको आप देख सकते हैं। 3-स्टार 5-स्टार में कंपैरिजन का मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको एक माइक्रो पावर मॉनिटर इस तरीके से आपको लेना पड़ेगा, वो आपको स्विच में इसको प्लग करना पड़ेगा, उसके बाद अपने डिवाइस का जो प्लग है वो इसमें लगाना पड़ेगा, तो एक पर डे का जो यूनिट जिस तरीके से मैंने इसमें निकाला वो इसमें शो हो जाएंगे। तो उससे आप देख सकते हैं कि एक दिन में कितने यूनिट निकालता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं इसमें एक एसर नाम का वर्ड दे रखा होता है, तो ये क्या है, जिसकी एसर रेटिंग, जिस एसी का एसर रेटिंग जितना ज्यादा होगा
उस एसी का उतना ही कम बिल होगा, उतना ही बिल कम आएगा। अगर 5 स्टार एसी का हम एसर रेटिंग देखें तो 4.73 दे रखा है, अगर वहीं हम 3 स्टार एसी का एसर रेटिंग देखें तो 3.72 दे रखा है, 3 स्टार का एसर रेटिंग 3.72। वहीं अगर हम विदाउट इन्वर्टर एसी की बात करें तो उसका एसर रेटिंग दे रखा है 3.56, तो ये सबसे कम है, यानी इसका बिल इन दोनों की अपेक्षा ज्यादा आएगा और 5 स्टार से ज्यादा आएगा 3 स्टार का बिल, और सबसे कम बिल आएगा हमारा 5 स्टार का बिल। तो आई होप एसर को आप समझ गए होंगे, और उसको ज्यादा मैंने विस्तार से अपने एक वीडियो में बताया है, उसको आप देख सकते हैं कि एसर और स्टार रेटिंग क्या होते हैं और इसका जन्म कहां से हुआ है, उसको आप आसानी से देख सकते हैं। और आई होप मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।